बिसमीम अस्सलाम असल आप देख रहे हैं आज टाइम्स मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर नाजीन आज दोबारा से हम बात करेंगे बी फोर यू ग्लोबल बी फोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक हैं सैफ़रहमान ख़ान न्याजी के हवाले से क्योंकि उनके मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज भी आज बी फोर यू के उन मजबूर आवाम से उलझ पड़े हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी एक तो वो बताऊंगा कल इस्लामाबाद की एजसाब अदालत में पेशी भी है सैफुररहमान ख़ान न्याजी की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अबूरी ज़मानत कराई थी तो एक उन्होंने तस्वीरें वायरल करवाई थी कि सैफ उरहमान खान न्याजी शदीद अलील हो चुके हैं एक तो उस हवाले से आपको बताएंगे कल इस्लामाबाद की के अदालत में होना क्या है क्या सैफुररहमान ख़ान न्याजी इस्लाम आबाद के अदालत में पेश होंगे या दोबारा बीमारी का बहाना करेंगे साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर जो राजा रियाज हैं उस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे क्योंकि राजा रियाज जिस तरह मैंने बताया था कि 2011 में इन्होंने हेल्थ एंड वेल्थ इन एक कंपनी बनाई थी उसमें इन्होंने कितना स्कैम किया इनके ऊपर कितनी एफ़ आई आरस हुई और ये अब दोबारा से बी फोर यू ममरान के साथ जुड़ गए हैं उनकी एक वीडियो भी मुझे किसी ने सेंड की वो मैंने सुनी फिर इनका एक वॉइस नोट मुझे मौसू हुआ लेकिन बात करेंगे हकाइक के ऊपर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आप किसी कंपनी के हक़ हाँ में भी बात करें तो मैं उस वक्त तक उस कंपनी के हक़ हाँ में बात नहीं करूंगा जब तक ये कंपनीज के मालकान पाकिस्तानी कवानी पर अमल पैरा नहीं होंगे इसके अलावा आपको मालूम है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के 103 सौ तीन जिन्होंने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से विड्रॉल लिया था या उन्होंने उस बैंक के जरिए इन्वेस्टमेंट की थी उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं तो आदम अमीन चौधरी एडम अमीन चौधरी क्या एक वीडियो भी आई है उस हवाले से भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे साथ साथ आपको नाजरीन ये बता दें कि फैसलाबाद के चार पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिन टू ग्लोबल नामी कंपनी बनाई थी और उनमें नदीम खान ज़ाहिद रफ़ीक बट्टी तबसम शहजाद खोखर मुदसर अंसारी हैं कमेंट्स मौसू हो रहे हैं जी इस कंपनी के हवाले से बताएं कि यह कंपनी कैसी है तो मैंने सोचा ऑलरेडी हमने प्रोग्राम तो किए थे चलें दोबारा से आपको आगाह कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की यादाश बहुत कमज़ोर है शुरुआत करेंगे हम बिंटू ग्लोबल के हवाले से बिंटू ग्लोबल के जो चार पार्टनर हैं फैसलाबाद के ये रहायशी हैं इसमें नदीम खान जिसने नाम बताया जाद रफ़ीक बट्टी तबसुम शिजाद खोकर मुदसर अंसारी अच्छा ये जो चार लोग हैं ये चार आपस में पार्टनर हैं इनमें से दो पार्टनर्स का माजी बहुत तलख है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन आपको यह बता दें कि ये जो चारों पार्टनर हैं इनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट्स नहीं है ये लोग पोन् स्कीम चला रहे हैं ये लोग आपका पैसा आप ही को रिफ़ंड कर रहे हैं मनी रोटेशन सिर्फ खेल रहे हैं जिस तरह बी फॉर यू या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स वाले खेलते थे इस तरह बिन्टू ग्लोबल भी यही काम कर रहा है ये चारों पार्टनर हमने कोशिश की कि तबसुम शिजाद खोखर से रबा करें लेकिन उन्होंने मौक़ देने से इनकार कर दिया मदसर अंसारी से हमारा रबा हुआ उसने इनकार कर दे जी मेरी तो कंपनी नहीं है बिन टू ग्लोबल मुझे तो मालूम ही नहीं है कि अब ये देख लेंगे चारों पार्टनर एक तो एक ने मुदसर अंसारी ने कहा जी मेरी ये कंपनी नहीं है दूसरा तबसम शिजात खोखर ने कहा जी मैं मौक़ नहीं देता और जो दीगर लोग हैं शायद रफीक बट्टी नदीम खान ये लोग भी मौक़ नहीं दे रहे लेकिन आप बिन टू ग्लोबल पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पीडीएफ पढ़ लें कि जहाँ पे इन्होंने जो बिजनेसेस लिखे हैं वो कहाँ पे हैं अगर वो कहते हैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो कहाँ पे करते हैं दीगर और भी इन लोगों ने बहुत सी बड़ी चीज़ें लिखी हैं लेकिन इनकी वेबसाइट पे आप जाएँ तो किसी भी पेज पर पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी बिंटू ग्लोबल भी एक टोटली बड़े नमाद का लालच देकर आपको लूट रहा है बिंटू ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा क्योंकि अगर इन कंपनी के मालकान में कुछ दम है तो ये हमें मौकफ दे दें कि कौन सा इनका फिजिकल प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे अर्निंग होती है क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज़ आती हैं टोटली स्कीम करने के लिए आती हैं आपको लूटती हैं और फिर जिस तरह आप देख लें थ्री जीनियस के कासम अब संधु दुबई बैठ के यशी मार रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने एक और कंपनी भी लॉन्च कर दी है अब उसमें बैठ के ये स्कीम करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी मजबूर आवाम है गरीब आवाम है ये जिस तरह के नौसरबाज आते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं आपको अपनी बातों में उलझाते हैं और आप इनकी बातों में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दो माह विड्रॉल आपको मिलता है उसके बाद पता चलता है जी कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं यह कंपनी का मालिक पाकिस्तान से फरार हो चुका है तो बिंटू ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा कि इन्होंने स्कीम करना है फिर ट्रेडिंग ग्लोबल नेटवर्क है टी जी एंड कंपनी है उसका जो मालिक है वो ई स्टाम्प पेपर देता है वो भी टोटली नोसरबाजी कर रहा है आवाम से फ्रॉड कर रहा है उनके पास भी कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट नहीं है टोटली आपको क्योंकि बिन्टू ग्लोबल की अगर मैं बात करूं तो इनकी वेबसाइट पर जाए तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो यूके का यूएसए का लिखा है लेकिन वो ख़ुद पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं वेबसाइट की जो डोमेन है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है इस तरह के नौसरबाजों का काम यही है कि ये आवाम को चिकनी चिपड़ी बातों में लाते हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें अवीज़ा कर देते हैं गाड़ियों की मोबाइल फ़ोन की मोटरसाइकल्स की फिर टूवर्स का लालच देते हैं और उसमें आके वाम जाते हैं तो खुदारा ग्लोबल से रहिएगा क्यों आप मालिक है तो वो तो कहते हैं पाकिस्तान हमारा है सारा का सारा हमारा है क्योंकि पूरे पाकिस्तान को हमने लूटना है ये जरा सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं एडम अमीन चौधरी साहबेंटली देखिए आपको ये बताया क्या है और इसमेंगे कि कि तो नहीं, नहीं। किसी, किसी भी हाल में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपके जो यूट्यूबर जो आपने जब शुरू में आप बाहर आए थे तो उनको हायर किया था आप वीडियो बनवाते थे अब लगता है कि उन्होंने भी आपको टाटा बाय बाय कह दिया आप खुद मजबूर हो के वीडियो बना रहे हैं और आप कह रहे हैं हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई पाकिस्तान के बड़े नौसरबाज साहब आप खुदा रहा ये जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के लोग हैं इनको पैसे वापस कर दें इनका कैपिटल रिफंड कर क्यों क्योंकि जज्बात से खेलते हैं और ये जज्बात से जो आप खेल रहे हैं ये आपके लिए बहुत नुकसान होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनके जज्बात से किस तरह खेल रहे हैं जरा ये उसका वॉइस नोट अब वो मजबूर होकर लोगों को कहता है आप मेरी वीडियो तो देखें भाई खुदा रहा वीडियो तो देखें एडम साहब की कि वो क्या फरमा रहे हैं कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं अभी तो उन्होंने एतकाफ़ में भी बैठना है क्या पता है में बैठने से पहले ही रफू चक्कर हो जाए इट डजन मैटर देखिए बहुत सारी जातियाँ हैं जो हम शेयर नहीं करते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये वाइस तो जरा सुनिए बहुत सारी ज्यादतियाँ हैं जो हम शेयर नहीं करते आप अपने मुँह से एक शख्स बोल रहा है कि वो खुद ज्यादी करता है लेकिन वो पाकिस्तानी मजबूर आवाम से शेयर नहीं करता ये दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूं ताकि आप दोबारा गौर लगा के सुने ठीक इसमें आपको ये बताया गया है और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप में से कोई ये ना सोचे कि आप अकेले हैं अगर आप अब पाकिस्तान प्रोजेक्ट फैमिली का हिस्सा है तो आप हमारा हिस्सा है हम आपको कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं, नहीं किसी भी हाल में इंशाल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे इट मैटर देखिए बहुत सारी जातियां जो हम शेयर नहीं करते बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं कह रहे लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम कभी भी काबू नहीं रखेंगे वो इसलिए नहीं रखेंगे अवाम का पैसा हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी से कभी हिले नहीं लेकिन अवाम के अकाउंट्स फ्रीज करना बहुत बड़ी ज्यादा है अवाम का पैसा हमारी जिम्मेदारी है अवाम के पैसे पर अयशी मारने वाले एडम अमिन चौधरी फैसल यूँ बंगश को साथ बिठा के आप वीडियो बना रहे हो यार खुदा का खौफ करो क्यों झूठ बोलते हो रहमतों बरकतों वाला माहम है आपने तो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मैमरान को कहा था कि आपको माह सयाम में विड्रॉल दूंगा आपका कुछ कैपिटल वापस करूंगा कराची में बैठ के आप दोबारा से नोसरबाजी की कोई गेम खेलोगे यार खुदा रहा इतना झूठ ना बोलो आप तो लोगों को ये भी कहते हो कि नैब से आपका केस ख़त्म हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है ओ भाई मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको ज़मानत दी थी आपका ट्रायल इस्लामाबाद की एतसाब अदालत में चलेगा लोगों को ये तो बताएं कि आप उनकी अमाउंट कब वापस करेंगे रोज़ एक वीडियो बनाते हैं लॉलीपॉप देते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं कि यार कोई ना कोई तरीका अपनाऊँ ताकि मैं इस मुल्क से फ़रार हो जाऊँ नहीं तो ये पाकिस्तानी आवाम आपके घर के बाहर भी एहतजाज करेगी क्योंकि आपके वालद मोहतरम का जो हॉस्पिटल है आज़ाद कश्मीर में ये बात जहन में रखिएगा वहाँ तक भी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स में इमरान पहुँचेंगे और इनकी ये हलाल की कमाई थी ये अपनी कमाई छोड़ेंगे नहीं ये बात अपने जहन में रखिएगा जिन लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं दोबारा से कर बता रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के लोगों ने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का विड्रॉल या इन्वेस्टमेंट किसी अकाउंट से की थी तो वो अकाउंट में जितनी आपकी रकम मौजूद है वो निकाल लें क्योंकि नैब दोबारा मुतरिक इस वजह से हुआ है कि एडम अमीन चौधरी ने दोबारा से एक प्लान बना लिया है ताकि पाकिस्तानी आवाम को लूटें। अब आते हैं नाजरीन मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज जो माजी के बहुत बड़े नौसरबाज निकले आपको मालूम है शैनल कंपनी इन्होंने की वहाँ पे इन्होंने किस तरह की कि नोसरबाजियाँ की फिर इन्होंने कहा यार आवाम को लूटते हैं किसी और तरीके से इन्होंने हेल्थ एंड वेल्थ इन एक कंपनी बनाई वह भी इनकी कंपनी का नाम था ये थोड़ी सी तस्वीरें हम चला रहे हैं ये आप देख लें कि ये उनकी कंपनी है 2011 में और फिर इनके ये ये भी इनामात उसी तरह दे रहे थे हमारे पास जो इतलात हैं कि इन्होंने भी करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है दो एफ़ आई आर अभी तक हम कलेक्ट कर चुके हैं जो लाहौर में इनके ख़िलाफ़ हुई थी उसके ऊपर कल मैं प्रोग्राम करूंगा एफ़ आई आर में चलाऊंगा उस एफ़ आई आर में देख लीजिएगा कि इन्होंने लोगों से किस तरह किस तरह की नुसरबाजी की है इस्लाबाद में बहुत ज़्यादा इनके मुतासरी उन्होंने हमारे से रबा किया है कि राजा रियाज ने दो हज़ार ग्यारह से दो हज़ार चौदह तक जो फ्रॉड किया था ग़रीब आवाम के जज्बात से जो खेले था क्योंकि राजा रियाज तो अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और अब तो ये इस नहज पे बात पहुंच चुकी है कि जो लोग विड्रॉल की बात करते हैं आज का राजा रियाज का आपने वॉइस नोट सुना जिसमें वो तलख लहजे में बात कर रहे हैं क्योंकि राजा रियाज के अपने पैसे नहीं लगे इन गरीब बी फॉर यूम इमरान के पैसे लगे हैं तो अब राजा रियाज ये भी कहता है कि मलिक नवीद उसके साथ खड़ा रहा और राजा रियाज साहब खुदा रसूल का वास्ता है यार रहमतों वाले महीने में तो झूठ मत बोले मलग नवीद वेलीडस करने दुबई चला गया था सरदार एयाज की तस्वीरें हैं और दीगर लोगों की तस्वीरें किस लिए पाकिस्तानी मजबूर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि ये मजबूर आवाम जब बाहर निकलेगी तो बहुत बड़ा खौफनाक ये सुनहरी बन जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ सैफुररहमान खान न्याजी की कल इस्लामाबाद के की अदालत में पेशी है लगता यही है क्योंकि रहमतों बरकतों वाला माह स्याम है कल दसवां रोज़ा है कल देखते हैं कि सैफुररहमान खान न्याजी इस्लामाबाद आबाद की एजसाब अदालत में पेश होते हैं या वो बीमारी का दोबारा बहाना बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी माजी में जब इस्लाम आबाद हाईकोर्ट में उनकी पेशी थी तो उन्होंने बहाना बनाया था लेकिन जब अडयाला जेल में वो रहे तो उनका साफिर अपडेट तो हुआ साथ उनके वाइट ब्लड सेल भी कम हुए उस हवाले से भी हमने वीडियो बनाई क्योंकि हमारा कंपनी के मालकान से सिर्फ ये क्लैश है कि पाकिस्तानी इदारों ने जो कवानीन बनाए हैं उन कवानी पर अमल पैरा हों अब कल क्योंकि रहमान ख़ान की जो मौजूदा अहलिया है सबका अहलिया है उन दोनों ने ज़मानत करवाई है अहमद व्याज के वारंट गिरफ्तारी निकले हैं और एक और उसमें जो शख्स है उसके भी वारंट गिरफ्तारी निकले हैं तोफ़ी या तोसीफ़ आमिर उसका नाम है इस हवाले से हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं लेकिन कल की जो भी अपडेट होगी कि इस्लामाबाद की साब अदालत क्या डिसीजन देती है राजा रियाज कहते हैं कि नो माह में नैब का केस ख़त्म होना चाहिए तो राजा रियाज साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी रहमान ख़ान न्याजी को ज़मानत मिली है अभी ये ट्रायल चलेगा इस ट्रायल में जितने भी एविडेंस हैं जितने भी विटनेस हैं उनके गवाहों के बयानत होंगे उन पर जिरा होगी फिर जाके केस कंक्लूड होगा क्योंकि रहमान ख़ान न्याजी ने एक सौ सो सोलह अरब रुपए का फ्रॉड किया है बारह से तेरह बिलियन की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है और ये अभी तो रहमान ख़ान न्याजी के वो वॉइस नोट हम आपको सुनाएंगे जिसमें यह कहता है कि मैंने जजेज को भी अकाउंट्स लगा के दिए हैं जिसमें वो कहता है कि मैंने वजी अतलात है फिजुल हसन चौहान उनको इसने एक करोड़ रुपया दिया बहुत सी चीज़ें हैं वह आहिस्ता आहिस्ता आप आपके सामने रखेंगे ताकि इन बहरूपियों का अंदाज़ में जो पर्दा इनके चेहरों पर लगा है उसको चाह किया जाए अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर न को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़